Hello everyone, I am Rajendra Sunda and welcome to my channel English with Rajendra Sunda. आज नया टॉपिक लिया है नरेशन का. कॉम्पिटिशन में भी आता है और स्कूल लेवल में भी अच्छा आता है. तो चलिए शुरू करते हैं नरेशन. नरेशन को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं. इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है. इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं. तीन नाम है इसके अलग अलग. तीन नाम से अलग अलग बुक्स में सिलेबस में आता है. लेकिन चीज एक ही है. नरेशन की बात करते हैं कि नरेशन का मतलब क्या हुआ. नरेशन नरेट वर्ड से बना है. नरेट का मतलब होता है वर्णन करना. टू एक्सप्लेन, टू डिस्क्राइब, टू नरेट. तो यहां यह है कि किसका वर्णन करना है, क्या नरेट करना है. नरेट करना है एक कथन मिलेगा आपको, एक स्टेटमेंट मिलेगा डायरेक्ट. उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को नरेट करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसको कहते हैं नरेशन. उसमें होता क्या, देखिए जैसे इस तरह का सेंटेंस है. ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ. यहां पर इसमें दो पार्ट दिए होते हैं. ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना होता है. अब पहले इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है. इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. हर किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा ये पूरा कि इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच. और इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. बहुत सारी 99% बुक्स के अंदर इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. होता नहीं है वर्ब. यहां वर्ब लिखा रहता है कि जो गलत है कैसे है, मैं इसको प्रूव करता हूं. देखिए ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट रिपोर्टेड, ये रिपोर्टेड पोर्शन है और ये रिपोर्टिंग पर्सन है. पहले इसको देखते हैं. ये रिपोर्टेड में सब्जेक्ट, रिपोर्टेड में वर्ब, रिपोर्टेड में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और रिपोर्टेड में एडवर्ब. और पूरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच. ओके, अब इधर आए. ये रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये है रिपोर्टिंग वर्ब. और पूरा क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच. तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहने की गलती ना करें. रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ ये है, एक बात तो ये. अभी दूसरी बात करते हैं कि यदि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सीखना है, तो क्या करना पड़ेगा, वो क्या सर्कमस्टांसेस होंगी, वो क्या रूल्स होंगे जो आपको आने चाहिए एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने में, वो क्या और कितने रूल्स हैं, वो क्या होंगे. सबसे पहले नंबर वन, पहला पांच परिवर्तन अगर आते हैं तो आपको पहला परिवर्तन ये होगा रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब में परिवर्तन. एक दूसरा परिवर्तन होगा इस दोनों को जोड़ने का, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग करते हैं वो सीखना है. तीसरा प्रयोग है रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को बदलने का परिवर्तन. फर्स्ट पर्सन का क्या होता है, सेकंड का क्या होता है, थर्ड का क्या होता है, वो सीखेंगे तीसरा परिवर्तन. चौथा परिवर्तन होता है वर्ब का परिवर्तन और टेंस का परिवर्तन भी, जिसको कहते हैं टेंस का परिवर्तन या वर्ब का परिवर्तन जो होता है वो. और पांचवा परिवर्तन होता है द वर्ड्स दैट डिनोट्स प्लेस एंड टाइम, वो शब्द जो समय और स्थान दर्शाते हैं उनका प्रयोग होता है पांचवा परिवर्तन. अब देखिए अगर आपको एक दो तीन चार और पांच, ये पांच परिवर्तन आते हैं, यू कैन चेंज एनी डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट किसी भी एग्जामिनेशन आराम से. ये पांच चीजें आपको सीखनी. सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें करना क्या का कॉन्सेप्ट है. तो ये पांच परिवर्तन आपको सीखने. अब इन पांच परिवर्तनों को हम कैसे सीखें, पहले पांचवा सीखें, चौथा सीखें, तीसरा, दूसरा, कहां से सीखें, शुरू कहां से करें, या फिर इसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए. इसकी सीक्वेंस ये होनी चाहिए, आपको ये तीन परिवर्तन एक साथ सीखने चाहिए.
ये तीन परिवर्तन है ये आपको हमेशा एक साथ सीखने चाहिए, और ये दो परिवर्तन है ये चेंज है ये अलग सीखने चाहिए। इसकी वजह क्या है, इनको एक साथ क्यों और इनको अलग अलग क्यों, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए आप कि सेंटेंस होते हैं ना वो कितने प्रकार के होते हैं, नंबर एक असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस कौन सा होता है, अफर्मेटिव और असर्टिव में क्या अंतर होता है, ये साधारण होता है वो सकारात्मक होता है, तो वो अंतर क्या हुआ, इसमें अंतर होता है बताऊंगा कि इसके अंदर दो तरह के वाक्य आ जाते हैं। नंबर एक आ जाता है अफर्मेटिव सकारात्मक जिसको बोलते हैं, और दूसरा नेगेटिव, दोनों सेंटेंस इसमें आते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में साधारण। साधारण में दो चीजें आती हैं, सकारात्मक भी आता है और नकारात्मक भी आता है, पहली बात। दूसरी बात होती है इंटरोगेटिव, जानते हो आप। तीसरी चीज होती है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस ये भी जानते हो जो आज्ञार्थक वाक्य होते हैं, चर्चा करेंगे बाद में। ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये पांच रूल, इन पांच तरह के सेंटेंसेस में सीखने, मैंने इनको तीन को एक साथ क्यों बताया उसकी वजह ये थी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। ये प्रोनाउन का परिवर्तन, ये वर्ब का परिवर्तन, और ये द वर्ड्स दैट डिनोट्स टाइम एंड प्लेस, समय और स्थान दर्शाने वाले शब्दों का परिवर्तन, इन पांचों के अंदर एक जैसे होते हैं। अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन और सेकंड का जो थर्ड बदलता नहीं है, वो सब में एक जैसे रहते हैं, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड नहीं बदलता है, तो इसमें भी नहीं बदलता, इसमें भी नहीं बदलता, इसमें भी बदलता। वर्ब का परिवर्तन अगर इजारियन का वाज वर इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी, सब में एक जैसा होता है, और नाउ का देन सब में एक जैसा होता है, टडे का दैट डे सब में होता है, तो ये सारे तो इसमें एक जैसे होते थे, इनको तो साथ में अलग पढ़ लिया जाए ना। इधर आइए, ये जो दो परिवर्तन है ना, इनमें क्या है, ये असर्टिव में तो इसमें शेड टू का टोल्ड हो जाता है, इंटरोगेटिव में आस्क्ड हो जाता है, इंपेरेटिव में ऑर्डर्ड सजेस्टेड एडवाइज दिया हो जाता है, और ऑप्टेटिव में प्रेड विश, ये अलग अलग हो जाते हैं, तो एक साथ तो नहीं सीख सकते इसको। अब कनेक्टिव का प्रयोग देखिए, कनेक्टिव क्या होगा, असर्टिव में दैट लगेगा, इंटरोगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड या इफ योर वेदर, इंपेरेटिव में टू लगेगा, तो ये भी अलग अलग लगते हैं, तो इनको आप एक साथ नहीं सीख सकते, इनको सीखना पड़ेगा। हम लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस ये होते हैं, इनका सेट टू या सेट बीच में ये होता है, कनेक्टिव ये लगता है, बाकी तीन परिवर्तन ऐसे होते हैं। इस तरह से सीखना होगा आपने, इनको अलग अलग और इनको अलग अलग। तो यहां तक की बात आपके समझ में आई हो। अब देखिए, ये नॉर्मल बात करते हैं हिंदी कि एक्चुअल में जब है इन पांच रूल्स है, इनको सीखने से पहले की बात करें तो क्या होता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सेड का सेड ही रहता है, से का से ही रहता है, टेल या टोल्ड नहीं होता है, ये तब होगा जब ऑब्जेक्ट आगे आएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि प्रेजेंट सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। जैसे ही सेज आई एम, ही सेज मोहन इज प्लेइंग, अगर इसका इनडायरेक्ट बनाना तो आपको एग्जामिनेशन में सबसे पहले ये देखना है, यहां पर प्रेजेंट या फ्यूचर, ये दो तीन ही तो होते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट, से सेज विल से, सेड से सेज और विल से तीन ही तो होते, अगर दो प्रेजेंट और फ्यूचर है तो टेंस बदलेगा ही नहीं, तो कब बदलेगा,
जब ये पास्ट में होगा, जब यह सैड होगा तब बदलेगा, बस फिक्स है बात, सैड होगा तब बदलेगा, अदरवाइज नहीं बदलेगा। तो क्या करना है, यहां पर देखना है कि विल से है या से है, तो इसका टेंस नहीं बदलना। जैसे ही सेज, यहां टेंस मैंने इसलिए नहीं किया, उस पहली वाली बात को क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां ही सेड टू मी होता तो टेंस कर देते इसका, ठीक है। ही सेज दैट, अब देखिए मोहन थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा, तो होगा मोहन इज प्लेइंग। एक बात, दूसरा सेंटेंस ठीक है, ऐसा लिखता हूं, ही सेज टू मी आई एम प्लेइंग। ये देखिए यहां भी प्रेजेंट आ गया, तो टेंस तो अगले का टेंस तो नहीं बदलेगा, लेकिन यहां पर टेंस हो गया। ये टेंस क्यों हुआ, क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट है। यहां क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट नहीं था। ओके, ही टेल्स मी दैट, अब देखिए आई का अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन बदलता है, यहां ही के अनुसार ही और इज प्लेइंग हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि यहां ही इज प्लेइंग, अब आप बोल दो एम का इज आ गया तो बदल तो गया, टेंस नहीं बदला है, सिर्फ ही के अनुसार इज आया, वो यहां आई के अनुसार एम था, ही के अनुसार इज आया। तो दो चीज और बताई मैंने आपको यहां पे, कि पहली तो ये कि ये ऑब्जेक्ट हो तभी ये टेंस होगा, और दूसरा यदि यहां ये प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो आगे का टेंस नहीं बदला। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक जो चीजें आपने पढ़ी है आपको समझ में आई होगी, आगे वाले सेकंड पार्ट में बाकी की बातें पढ़ेंगे। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करना,